हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट जो कि है TLC के पेपर व्यू के बाद, जहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन का रिएक्शन उनकी TLC की बड़ी जीत के बाद। इसके अलावा बात करेंगे एक बड़े मैच के बारे में जो कि कन्फर्म हो चुका है आने वाले रॉ के एपिसोड के लिए, और साथ ही साथ बात करेंगे एक मेन अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है रूमर रेंज की रिटर्न डेट जो कन्फर्म हो चुकी है TLC के बड़े पेपर व्यू के बाद। तो देखिए, इस बात की शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, क्योंकि फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन ने जीत हासिल कर ली बैरन कॉर्बिन के खिलाफ TLC के बड़े पेपर व्यू में, जिसके बाद उन्हें मौका मिल गया है एक और बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रॉयल रंबल 2019 में। लेकिन अपनी जीत के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस बात को पोस्ट किया है जो कि आप के सामने देख सकते हैं, और उनका कहना यह था कि उन्होंने बिल्कुल भी हाथ वगैरह नहीं उठाया और उन्होंने हरा दिया बैरन कॉर्बिन को, और उनका जो अगला स्टॉप है वो होने वाला है रॉयल रंबल, जहां पर ब्रॉक लेसनर को ये दोनों ही हाथ मिलने वाले। तो यहां से ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक बड़ी धमकी दे दी है ब्रॉक लेसनर को। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, और साथ में एक बड़े मैच के बारे में जो कि कंफर्म हो चुका है आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। तो इस रॉ के एपिसोड से पहले हमें दिखाई दिया किस तरह से TLC के पेपर व्यू में जिगलर ने मदद की फिन बैलर की ड्रू मैकइंटायर को हराने में, लेकिन उसके बाद बैक स्टेज पर लड़ाई होते थे जिगलर एंड फिन बैलर की, जिसके बाद WWE ने कल की रॉ के एपिसोड के लिए मैच कंफर्म कर दिया, जहां पर हमें फिन बैलर एक सिंगल्स मैच में फेस करते हुए नजर आने वाले हैं डॉल्फ जिगलर का। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी सबसे बड़ी अपडेट और मेन अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, और रोमन रेंस की वापसी की डेट के बारे में जो कि कंफर्म हो चुकी है TLC के बड़े पेपर व्यू के बाद, क्योंकि रोमन रेंस ने TLC में वापसी नहीं की और हम सभी जानते भी फिलहाल रोमन रेंस अपनी रिकवरी कर रहे हैं लुकी में से। लेकिन साथ में अब WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इस बात को कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंस हमें कब वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं, जब WWE ने एक और रोमन रेंस के पब्लिक अफेयरेंस को कंफर्म कर दिया जो कि हमें दिखाई देने वाले फरवरी में, और रोमन रेंस हमें 8 फरवरी को वापसी करते हुए नजर आने वाले। और आप स्क्रीन के सामने भी देख सकते हैं जहां पर हम देख सकते हैं ऊपर WWE ने लिखा है वर्ल्ड्स ऑफ व्हील सेलिब्रिटी स्टेज, साथ में नीचे लिखा है WWE सुपरस्टार रोमन रेंस फ्राइडे 6 to 8 AM। तो यहां पर रोमन रेंस की एक और बड़ी पब्लिक अफेयरेंस कंफर्म कर दी पिट्सबर्ग में, तो कहीं ना कहीं कह सकता हूं रोमन रेंस रिकवरी कर रहे हैं जिसके कारण वो अपनी पब्लिक अफेयरेंस कर रहे हैं, अपने फैंस वगैरह से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही रोमन रेंस वापसी करते हैं WWE के देखना फिर से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला कि रोमन रेंस को किस तरह से उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस मिलती है। तो बस ये थे एक धमाकेदार वीडियो आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नीचे लाइक किए बिना कहीं मत जाना, साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके क्या थॉट्स हैं रोमन रेंस की वापसी के कंफर्म होने के बारे में, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE से जुड़ी कुछ ऐसी बड़ी और धमाकेदार अपडेट जानने को मिलते रहे। तो मिलता हूँ आप सभी को ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।